Good evening, sir, and my classmates. Today, I have to tell the turn of my life and decide to learn English. तो सिंपल सा लाइफ का एक था कि यार इंग्लिश की कभी जरूरत पड़ी नहीं मुझे, ना ही मैंने कभी सोचा, ना ही स्कूल तो हमने इंग्लिश मीडियम से ही करा था, मैंने कभी जरूरत लगी नहीं कि इसकी कि इंग्लिश सीखें, और एक हेजिटेशन भी था कि कैसे इंग्लिश को बोलेंगे, क्योंकि ऐसा माहौल भी नहीं मिला, और अगर बोलते भी थे तो मजाक बनाते थे, तो इसलिए और भी बोला नहीं गया, जिस वजह से जरूरत लगी नहीं और ना ही कभी उसको बैरियर कभी बांधा। जर्नी इंग्लिश की स्टार्ट तब हुई वहाँ से जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने मेरे ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट था इंग्लिश, तो इंग्लिश मैंने जब पढ़ी वहाँ पर, जो उसका इंग्लिश लिटरेचर था, तो वो मुझे बहुत पसंद आया था। वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ कि यार इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा है कि आपको कोई भी लैंग्वेज वो एक एक्सपेंड करती है, आपको आपकी नॉलेज को सीमित नहीं रखती है, वो हमेशा एक्सपेंड करती है, कोई बैरियर नहीं लगाती है। तो वो चीज़ मुझे वहाँ से थोड़ा सा रियलाइज होने लग गया था। थोड़ा मैं बुक का शौकीन हूँ, तो बुक भी पढ़ता हूँ, तो मुझे तब ये लगा कि इंग्लिश में ही मुझे पढ़नी है बुक से, पर जितनी मेरी बुक्स मैंने पढ़ी थी 100-150, तो मुझे ऐसा लगा था कि सारी मोस्टली इसमें बुक से सारी हिंदी है, इंग्लिश तो मेरे पास है ही नहीं हुई, और इंग्लिश नहीं होने की वजह से मेरे को वहाँ पर मैं नहीं पहुँच पा रहा था। जो इंग्लिश लिटरेचर जो सबसे बेस्ट लिटरेचर कहते हैं, और अच्छा भी है, बहुत से अच्छे राइटर्स हैं, वो मैंने पढ़ा, और मैं टाइम जाते रहा, पर मैंने कभी सीरियसली इतना लिया नहीं, मैंने कहा सीख लेंगे, कोई ऐसी नीड नहीं है, सीख लेंगे, तो मैं बहुत कैजुअली लिए, और थोड़ा मेरे ट्रैवलिंग का भी थोड़ा धीरे धीरे एक इंटरेस्ट जैसा जानने लगे थे कि यार चलो ट्रैवलिंग करते हैं। उत्तराखंड घूमा, उत्तराखंड में बहुत से प्लेसेस में गया, मुंशहरी भी गया, बहुत जगह गए, यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, बट वहाँ पर भी कोई ऐसा अप एंड डाउन नहीं है, नहीं ऐसा लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, हिंदी बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया भी घूमा मैं कुछ प्लेसेस, वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि अंग्रेज मिलते थे मुझे, या फिर कोई अदर फॉरनर्स वो अपनी भाषा बोलते थे, मैं अपनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था, अब जैसे कोई मैक्सिकन है तो वो अपनी मैक्सिकन बोलता था, और थोड़ी बहुत इंग्लिश टूटी फूटी, तो वहाँ पर भी कोई लगा नहीं बैरियर, और लोकल्स जो वहाँ के पीपल्स थे वो भी हिंदी बोलते थे, तो इतनी जरूरत लगी नहीं कभी भी। टर्निंग पॉइंट वहाँ पर आया जब मैं साउथ गया, साउथ में जब मैं केरला गया, वहाँ पर मुझे टर्निंग पॉइंट लगा, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज तो या फिर फॉरनर्स तो बोल ही रहे थे टूटी फूटी इंग्लिश, मैं ही बोला था, पर वहाँ के जो लोकल्स लोग थे वो बोले थे इंग्लिश, उनकी जो कल्चर के बारे में मैं जानना चाह रहा था वो मैं जान नहीं पा रहा था, उतना क्लियरली मैं जान नहीं पा रहा था, और चाहे वहाँ पर एक छोटा सा सर्वेंट हो या फिर बोट हाउस का कोई कुक हो, वो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे थे। तो मैंने वहाँ से डिसाइड करा कि मैं मलयालम सीखूंगा, तो मलयालम नहीं हो पाया सीखने का, तो मैंने सोचा अब इंग्लिश सीखेंगे, तो मैं वहाँ से ज़्यादा प्रेरणा जब मैं घर आया तो मेरे को एक अंदर से क्रेज था कि मुझे यार इंग्लिश तो सीखनी है, क्योंकि अब मैं साउथ चले गया हूँ, अब थोड़ा सा और बाहर जाएंगे तो वहाँ पर भी थोड़ा सा इंग्लिश का एक बैरियर ना आ गया, मुझे वो लैंग्वेज का बैरियर और वो चीज़ें नहीं चाहिए थी, इस वजह से मैं इंग्लिश को थोड़ा सा एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज के उसमें देखने लग गया था। और मेरा छोटा भाई रॉयल, उसने भी मेरे को एक बहुत खुश करा कि यार भैया इंग्लिश सीखते हैं, तो मैं थोड़ा सा और उसकी तरफ सीरियस हुआ, वरना मेरा शायद रौनित नहीं होता तो शायद थोड़ा सा और डिले हो जाती, ठीक है, और मैं शायद फिर से कहीं और स्टेट में जाके गलत टूटी फूटी इंग्लिश बोलता और मैं समझ नहीं पाता कि वहाँ का कल्चर क्या, वहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं। तो रौनित को मैं थैंक्स बोलूँगा कि उसने मुझे बहुत अच्छा पूछ दिया, और धीरे धीरे मैं कराते कराते उसने मुझे अगस्त में उसने मुझे ज्वाइन करा ही दिया था, और यहाँ से मुझे फिर जब मैंने पीसे ज्वाइन किया, वैसे मुझे बोलने का बहुत शौक है और मुझे स्टेज में भी बोलने का बहुत शौक है, मैं हाँ इंग्लिश में थोड़ा सा हेजिटेशन होती है मुझे, पर मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैंने बहुत जगह बोल भी रखा है, तो मुझे जो अंदर से मेरे अंदर जो एक था कि इच्छा एक विश कि हाँ यार मैं बोलूँ स्टेज में बोलूँ और ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, वो मुझे पीसीए में मिला, और डिबेट्स का ही मुझे बहुत शौक है, तो मुझे डिबेट्स करने का ही मौका मिला, और मुझे अपनी कुछ क्रिएटिविटी या फिर कुछ अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करने का ही मौका मिला, तो मेरे पीसीआई का एक पूरा पैकेज मिला जहाँ पर मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, और कॉन्फिडेंस तो मेरा बिल्ट होता ही है, अब टूटी फूटी इंग्लिश ही बोलता हूँ पर कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, और
काफी अच्छा लगा। मैं 4:30 का वेट, 4 बजे का वेट करता हूँ पीछे ही आने का। थैंक यू। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब।